भरत जी ने पिताश्री को देखा तो कहने लगे, पिताजी आप कहीं भी पहुंच गए हो मेरे शब्द सुन लो। आपका ये पार्थिव शरीर है लेकिन आपकी आत्मा विश्वात्मा में विलीन हो गई है। आप कहीं भी हो आप मेरे शब्दों को सुन लीजिए। संस्कृति बोल रही है। किसकी संस्कृति? भरत की संस्कृति। चलत न देखना पाए तो ही उतात न राम ही सो पे मोही। बस इतना कार्य आप कर देते कि भैया को बन जाना था और वो मान ही नहीं रहे थे, तो आप इतना कर देते कि मुझे बुला लेते और प्राण छोड़ने के पहले मेरा हाथ भैया के हाथ में पकड़ा देते। यदि नहीं मान रहे थे, भैया बन चले ही गए थे, तो सुमंत जी लौट करके आए थे। उनको पता था कि कहां छोड़ के आए प्रभु राम को। बोलो, सुमंत जी को पता है ना गंगा के किनारे छोड़ के आए। बरबस राम सुमंत पठाए सुरसर तीर आप तय आए, तो श्रृंगवेरपुर तक का पता कंफर्म मालूम है कि नहीं? श्रृंगवेरपुर तक का कंफर्म पता मालूम है तो श्रृंगवेरपुर जाकर के श्रृंगवेरपुर के लोग भी बता सकते थे कि आगे राम जी कहां गए। बोलो, उनको मालूम था कि नहीं था? तो भरत जी कहते यदि नहीं माने थे भैया चले ही गए, तो प्रधानमंत्री सुमंत जी उनको छोड़ करके आए वापस अयोध्या, तो आप प्राण नहीं छोड़ते, रोके रहते प्राण। अयोध्या में काल का प्रवेश नहीं होता, यह मैं गारंटी से कह रहा हूं। आप रोके रहते प्राण और मुझे बुला लेते। जब भैया से बिछुड़ने के बाद इतने दिन प्राण को आप रोके रहे तो मेरा इंतजार कर लेते, मुझे बुला लेते। और आप नहीं, आप प्रधानमंत्री सुमंत से कहते कि जाओ भरत को ले जाओ, जहां राम हो भरत का हाथ राम के हाथ में पकड़ा देना, उसके बाद आप महाप्रयाण करते तो आज भरत का जीवन धन्य हो जाता। इतना ही आप कर लेते। चलता न देखना पाए तो ही उतात न राम ही सो पे मोही। अब मैं क्या करूं, मेरा जीवन अनाथ हो गया, अनाथ हो गया मेरा जीवन। पिता भी चला गया और परम पिता भी चला गया। पिता भी नहीं है और परम पिता नहीं है। गुरुदेव आप हैं, आप मुझसे कहते हैं कि अयोध्या को बचाओ, मैं ही कहता हूं कि भरत को बचाओ। अब भरत जिंदा रहने वाला नहीं है, आप भरत को बचाइए। सावधान, माता कौशल्या जी, हाँ वही है माता कौशल्या, वशिष्ठ जी महाराज भी वही है, मंत्रिमंडल भी वही खड़ा हुआ है, पूरे अयोध्या के अबाल वृद्ध नर नारी सब आसपास हैं, सब आसपास हैं। क्यों भाई, कोई है नहीं यहां इन बच्चों को संभालने वाला? वॉलंटियरों को बुलाओ, जब तक मैं प्रवचन करूंगा मंच पर कोई नहीं चढ़ेगा, ये तरीका ठीक नहीं है। यहां पर किसी को बैठा लिया, भरत चरित्र सुनना चाहते हो, ऐसे ही सुना है, सुनते हो भरत चरित्र? मन की एकाग्रता आवश्यक है।
इसको केवल सम्मेलन रखो, इसको मेला मत बनाओ। ये मेला नहीं है, ये सम्मेलन है। इस मंच से बौद्धिक चिंतन दिया जाता है। बौद्धिक चिंतन देने वाले पर कितना मानसिक लोड होता है, ये जो चिंतन देता है वही जानता है। ये सभी एहसास नहीं कर सकते हैं, सुनने वाले एहसास नहीं कर सकते हैं। गन्ने का रस पीने में बहुत मीठा लगता है, लेकिन गन्ने से पूछो उसकी किस तरह से पिराई होती है, तब रस निकलता है। हैं? पीने वाला कहता है बहुत मीठा है, बड़ा अच्छा है, आनंद आ रहा है, लेकिन उस गन्ने से भी पूछा कि उसकी क्या स्थिति होती है। इसलिए आओ सुनो, मानसिकता सुनने की होना चाहिए और मन की एकाग्रता होनी चाहिए। बच्चों तुम भी बैठो, यहाँ इधर से रोको, राखी करो, वहां बैठो, तू इधर आ जा, बैठ ना, तो इधर से कोई आएगा ना, इधर से मत आने देना। मेरे साथ में भी चलते हैं बहुत लोग, और ऐसे ऐसे लोग चलते का किसी को ना आने दें। वो ये कहो तुम इतने लोग आ गए हो, इतने लोग आ गए हो, ऐसे भी लोग चलते किसी को भी ना आने दें। लेकिन ये वॉलंटियर जो होते हैं उनका धर्म कहता है, जहां की समिति होती है उसका धर्म है। बच्ची को भी ठीक करो, ये प्रदर्शन मत करो, यहाँ हटाओ इसको, साल को साल हाल हटाओ, क्या तमाशा कर रही हो, बैठी बैठी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। चलत न देखन पाए तो ही, ताक न राम ही ताक न राम ही सौंप्यूं मोही। वशिष्ठ जी ने कहा भरत अब तुम अयोध्या को बचा लो। भरत जी ने कहा उपाय बताइए आप, अयोध्या बचेगी कैसे, उपाय आप बताएं। वशिष्ठ जी ने कहा एक ही उपाय है कि तुम अयोध्या के राजा बन जाओ तो अयोध्या बच जाएगी। ये कंफर्म है कि 14 साल बाद ही राम लौटेंगे। महाराज श्री दशरथ तो सदा सदा के लिए अयोध्या छोड़ के चले गए, लक्ष्मण भी नहीं है। भरत केवल तुम ही विकल्प हो, अयोध्या को संभालो, अयोध्या के राजा बन जाओ, बस अयोध्या बच जाएगी। भरत जी ने कहा कि अयोध्या की संस्कृति क्या बोल रही है, अयोध्या की परंपरा क्या कह रही है, आप पहले ये बताएं, क्योंकि आप महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के अभी तक पुरोहित कर्म करते आ रहे हैं। आप पुरोहित हैं, कुल पुरोहित, बोलो है कि नहीं, चेंज नहीं हुआ, कुल पुरोहित। राजा तो चले गए, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज उस समय से लेकर के अभी तक, ये समझ लीजिए। कहा महाराज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अयोध्या की परंपरा क्या रही। मैं ये जानता हूं कि प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, जो भी सिंहासन पर बैठता है सबसे पहले तिलक आप करते हैं, तो आपको परंपरा मालूम होगी कि परंपरा क्या है। कहे हां भरत परंपरा मालूम है। क्या परंपरा है, के जेठ स्वामी, ये परंपरा है अयोध्या की। जेठ स्वामी सेवा
तक